हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि एलिमेंट कैसे बनाया जाता है। ये एलिमेंट वायर है और इससे मैं एक बिल्कुल स्प्रिंग की टाइप की एलिमेंट बनाऊंगा, जो स्प्रिंग टाइप होता है। और इससे आप हीटर बना सकते हैं, इससे आप ओवन के लिए भी बना सकते हैं, इससे आप कई कई इस तरह के हीटर वो एलिमेंट बना सकते हैं। तो ये मैं टोटल 140-144 के करीब करीब इसके ओम्स के बनाऊँगा। तो अब इसके लिए मैंने एक रॉड उठाया है। इस राड पे मैंने क्या किया, एक साइड पे बेरिंग लगाया और दूसरी साइड पे मैं ये ड्रिल मशीन के थ्रू इसको बनाऊंगा। ये आपके सामने मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। इस तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसको टाइट करके और इसको फिर इसके यानी एलिमेंट की वायर को इसके ऊपर घुमाऊंगा। ये वायर का जो गेज है ये 28 नंबर है। इसके ऊपर आप 28 से 26 तक आप इसका एलिमेंट बना सकते हैं। और अगर आपको 2000 वाला बनाना है तो कम से कम उसमें 21-22 वाला यानी वायर लगाना पड़ेगा। उसके बाद और ज़्यादा बड़ा वाला ओवन बनाना है, जैसे ओवन होता है डेसिकेटर, ये होता है ड्राई, क्या नाम है, ड्राई रॉड के लिए होता है, राडों को ड्राई करने के लिए होता है, वेल्डिंग राडों को ड्राई करने के लिए भी लगाते हैं। अभी ये जो मैं बना रहा हूँ ये राडों को ड्राई करने के लिए एक एलिमेंट बनाते हैं वो। तो ये आपके सामने मैं अभी ये एलिमेंट बनाने जा रहा हूँ। इसको मैंने एक साइड पे बेरिंग लगाया है और दूसरी साइड में मैं इसको ड्रिल मशीन से उसको घुमाऊंगा और इस सुकून से इसको पकड़ के, वायर को पकड़ के इसका स्प्रिंग टाइप बनाता जाऊंगा। ये आपके सामने भी मैं बनाऊंगा। घर पे अगर आप बनाएं तो एहतियात करें, ताकि ये वायर जो है बहुत हाथ कटने का भी खतरा होता है। ये आपके सामने ये मैं बना रहा हूँ। ये आपके सामने ये स्प्रिंग बन रही है और स्लो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्लो स्लो चला के करनी है। ड्रिल मशीन की स्पीड बिल्कुल ज़ीरो पे रखनी है। ये आपके सामने है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये बन रही है। ये इस तरह से ये पूरा राउंड मैंने घुमा दिया है। मुकम्मल हो गई है। इसके बाद इसको मैं इसके जो इंसुलेशन वाले इंसुलेट वाले वो होते हैं, क्या नाम है, पत्थर है, उसमें डालूंगा ये वायर को। उसके बाद इंसुलेट वाले इसके पत्थर भी हैं, उसके बाद एक छोटे वाले उसके होते हैं, क्या नाम है, दाने होते हैं, उसमें भी डालना होता है। अब मैं इसकी चेक करूंगा कि इसके कितने ओम्स हो गए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है ओम्स चेक करना। कम से कम हमको एसी सप्लाई 220 के लिए, जो उसको नॉर्मल ड्राई रखे, तो वो हमें 140 के करीब करीब चाहिए, 140 से 45 के करीब करीब। मैं इसकी चेक कर रहा हूँ ये कितना हो चुका है। अगर ये थोड़ा बहुत कम हो तो उसको फिर थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। तो इसको अब ये थोड़ा सा कम है, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यह देख रहे हैं। और ये मैं अभी आपको इसके वोल्टेज दिखाऊंगा, इसके ओम्स दिखाऊंगा कि ये कितने ओम्स की बनी है। ये अभी मैं इसके वायर लगा के, किलोमीटर की वायर पे लगा के ओम्स दिखाऊंगा। कम से कम 140 से 45 के करीब करीब ओम्स होने चाहिए। इस तरीके से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कितने ओम्स है। ये 143.2 के ओम्स के बराबर हो गई है और ये बिल्कुल बेहतरीन है। ये 220 सप्लाई के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। इससे ये होगा कि ये बेहतरीन चलेगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।